गुजरात में पूरा जोर लगाकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद पहले ही बैकफुट पर थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को एक और झटका दे दिया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि 18 दिसंबर को मतगणना के दौरान कम से कम 25% वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम से क्रॉस वेरीफाई किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना में दखल देने से इनकार करते हुए पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया है। गुरुवार को मतदान खत्म होने के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में गुजरात में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया है, जिसके बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कहा कि एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत इसलिए दिखाई जा रही है कि नतीजा आने पर ईवीएम पर सवाल ना खड़ा किया जा सके। गौरतलब है कि यूपी चुनाव के बाद से बीजेपी पर लगातार ईवीएम हैकिंग के आरोप लग रहे हैं। ईवीएम पर लग रहे आरोपों की वजह से ही गुजरात में चुनाव में इस्तेमाल की गई सभी ईवीएम को वीवीपैट मशीनों से जोड़ा गया था। हालांकि कांग्रेस का रवैया बता रहा है कि या तो उसे अब भी ईवीएम पर विश्वास नहीं है या फिर अपनी पार्टी की जीत का भरोसा नहीं है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।